मैं मेरे इस वाले वीडियो में पूछी थी कि किस किस को काल रात्रि की स्टोरी सुननी है, तो उसमें रिस्पॉन्स काफी अच्छी थी यार। लाइक दीदी बताओ स्टोरी, जल्दी बताओ। तो ये लो स्टोरी हाजिर है। किसी भी कल्चर को ले लो, उसमें तुम्हें जो भी रिचुअल्स देखने को मिलेगा ना, वो ज़्यादातर माइथोलॉजिकल बेस्ड ही होते हैं। ये स्टोरी भी माइथोलॉजिकल बेस्ड होगी, ये ऑब्वियस है। और जैसा कि आपको पता है कि माइथोलॉजिकल स्टोरी थोड़ा सा ट्रिकी एंड ट्विस्टेड होता है, तो ज़रा गौर से सुनना। मैं जितनी हो सके सिंप्लिसिटी के साथ आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये स्टोरी है चंपक नगर के मर्चेंट चंद्रोधर, जिसको हम लोग चांद सौदागर के नाम से भी जानते हैं, और देवी मनुषा की। देवी मनुषा को स्नेक्स की गॉडेस माना जाता है, और वो शिव की मानुष कन्या भी है। मानुष कन्या की मतलब मन से जो कन्या जन्म लेती है उसको मानुष कन्या बोलते हैं। और ऐसे माना जाता है कि मनुषा देवी को पूजा करने से वो हमें स्नेक से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन चांद सौदागर शिव यानी महादेव के घोर तपस्वी थे, और मनुषा देवी ये आशा करती थी कि चांद सौदागर उसको पूजा करेंगे। लेकिन पूजा करना तो दूर, चांद सौदागर मनुषा को देवी मानने से ही इनकार कर दिए। इसीलिए मनुषा बहुत सारे ट्रिक्स अप्लाई की चांद सौदागर के माइंड को चेंज करने के लिए, लेकिन चांद सौदागर इक्वली डिटरमाइंड थे और मनुषा उसके कोई भी नुकसान नहीं कर पाती थी, क्योंकि चांद सौदागर एक जादुई मंत्र जानते थे जो उससे शिव से वरदान मिले थे। पर जब मनुषा एक अप्सरा के रूप में चांद सौदागर के पास आई, तो चांद सौदागर गलती से वो जो जादुई मंत्र है वो उसको बता दिए, और इसके तुरंत बाद उसकी वो मंत्र उच्चारण करने से जो भी सुपर नेचुरल पावर चांद सौदागर के पास थे वो चले गए। इसके बाद चांद सौदागर शंकर के पास गए, जो चांद सौदागर से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन मनुषा उसको भी मार डाली और चांद सौदागर पूरी तरह से हेल्पलेस हो गया। लेकिन फिर भी वो मनुषा को पूजा करने से इनकार करते रहे। मनुषा चांद सौदागर से रिवेंज लेने के लिए उसकी 6 जहाज और उसमें उसकी जो 6 बेटे थे वो सभी को स्नेक बाइट से मार डाली। चांद सौदागर के 7 बेटे थे, जो यंगेस्ट बेटे थे उसका नाम था लखिंदर। बाकी 6 बेटे मर जाने से चांद सौदागर के मन में एक डर बैठा गया था, और वो किसी भी तरह से अपनी छोटे बेटे को बचाना चाहते थे। लेकिन फिर भी मनुषा से हार नहीं माने, और ना ही वो मनुषा के पूजा करने वाले थे। तो अब उपाय, तब चांद सौदागर को एक लड़की की खोज मिली जिसकी नाम थी बेहुला। वो उजोनी नगर के शाहबेने की बेटी थी, और उसकी डेस्टिनी में लिखा था कि वो कभी पीटो नहीं बनेगी। तो चांद सौदागर अपनी छोटे बेटे के साथ बेहुला की शादी करवा दिए। पर लखिंदर जब जन्मा था तब उसकी हॉरोस्कोप में लिखा था कि वेडिंग के नेक्स्ट दिन वो स्नेक बाइट से मर जाएगा। इसीलिए चांद सौदागर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, और वो कारीगर के देवता विश्वकर्मा के पास गए और प्रेयर किया कि बेहुला एंड लखिंदर के बेडरूम को आयरन से बनाने के लिए। घर ऐसा बनना चाहिए जिसमें छोटी सी भी एक होल ना हो और कोई स्पेस ना हो, ताकि कोई भी स्नेक्स घर में घुस ना पाए। लेकिन जब विश्वकर्मा चांद सौदागर जैसे बोले थे वैसे घर बनाने गए, तब मनुषा देवी उसके सामने आए और उसको डराया ये बोल के, लखिंदर के डेस्टिनी में तो मौत लिखा हुआ है, तुम उसकी डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश ना करो, इससे तुम्हें पाप चढ़ेगा और तुम देवता नहीं कहलाओगे, और स्वर्ग से भी तुमको निकल जाना पड़ेगा। विश्वकर्मा डर के बोले, मैंने चांद सौदागर को वचन दिया है, अगर मैं वो काम ना करूं तो झूठा कहलाऊंगा, अब मैं क्या करूं देवी, मुझे रास्ता दिखाओ। तब मनुषा उसको बोली, एक रास्ता है, तुम आयरन के घर बनाओ, लेकिन उसमें एक छोटा सा होल रख देना बस, और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुन के विश्वकर्मा वैसा ही किया। शादी की नेक्स्ट दिन बेहुला ससुराल आई। उस दिन रात को लखिंदर बेड पे सोए और बेहुला नीचे बैठ के उसको वॉच करने लगी। लेकिन जैसे जैसे रात बीतता गया बेहुला की आंख लग गई। तब भी उसी होल से जो विश्वकर्मा किए थे, काल नागिनी जो एक स्नेक है, द मोस्ट पॉइजनस स्नेक, वो घर के अंदर घुसी। लेकिन जब वो लखिंदर को डसने गई, वो देखी कि बेहुला ने ऐसा कोई पाप नहीं की है जिससे उसको इतनी बड़ी सजा मिले।
इसीलिए वो अपनी दुम से लैंप की ऑयल लेके बेहुला की हेयर पर्टिंग में लगा दी, जो कि एक पाप है बंगाली वेडिंग रिचुअल्स में। और लकिंदर के पैर के आसपास घूमती रही और पैर में गुदगुदी देने लगी। ऐसे बार बार करने से जब लकिंदर अपनी करवाटें बदली, तब कालनागिनी उसके पैर में डस ली और स्नेक के पॉइजन से लकिंदर छटपटाने लगे और उसके छटपटाने से बेहुला की नींद टूट गई। आँख खुल के वो देखी कि एक स्नेक घर से बाहर की तरफ जा रही है, घर की कोने में एक छोटी सी होल से। बेहुला गुस्से में कालनागिनी की तरफ जाती फेंकी और कालनागिनी की दुम कट गई। एक्चुअली कालनागिनी लखिंदर को बाइट नहीं करना चाहती थी, मोनोशा फोर्स की थी उसको ये करने को। लखिंदर मर गए, लेकिन बेहुला हार नहीं मानी। वो ठान ली कि स्वामी का प्राण वापस लाऊंगी कैसे भी करके। इसीलिए अकेली अपनी मरे हुए पति को बनाना ट्री राफ्ट में सुला के वैद्यपुर की ओर चल पड़ी। वैद्य डॉक्टर के बोलते हैं तो वैद्यपुर में सारे डॉक्टर्स रहते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद कोई भी डॉक्टर्स कुछ कर नहीं पाए। वो सब बताए कि आप सब कुछ भगवान के हाथ पे है। ये सुन के बेहुला समझी कि अब एक ही रास्ता है और वो ठान ली कि स्वर्ग में जाके देवता से अपनी स्वामी का प्राण वापस लाएगी और फिर अपनी पति को बनाना राफ्ट में सुला के स्वर्ग की ओर रवाना दी। बेहुला तो मनुष्य है, तो वो कैसे भगवान के पास जा सकती है? अपने मरे हुए पति को वापस लाना तो दूर की बात है। इसीलिए बेहुला की बातें सुन के हसन हाथी के सारे लोग हंसने लगे, लेकिन बेहुला किसी का भी बातों की तरफ ध्यान ना देके अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। नदियों में मोनोशा उसके लिए बहुत सारी मुसीबत खड़ी करती, एक से बड़ी एक तूफान, आंधिया। बेहुला फिर भी हार नहीं मानी। वो चलते ही गई अपने पति को लेके। फिर उदयपुर में उसने पहली बार सूरज को उगते हुए देखा और उसको मन में कुछ आशा की किरण नजर आई। उसकी सफर बहुत लंबी थी, लेकिन फाइनली वो सड़क पहुंच गई। अपने पति से बेहुला का ये हद से ज्यादा प्यार, स्ट्रॉन्ग लाफ, इफोर्टलेसली करेज एंड इतनी भक्ति देख के मोनोशा बेहुला को बताई, तुम सच में अपने पति का प्राण वापस पाना डिजर्व करती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारी फादर इन लॉ को मुझे पूजा करना होगा। और इस बार चांद सौदागर को बेहुला ने मना लिया। बेहुला देवी मनुषा से लखिंदर की जो बाकी 6 भाई है उसका भी प्राण वापस मांगे। चांद सौदागर तब से हर चंद्र की 11 दिन देवी मनुषा को पूजा करते हैं, पर वो कभी भी मनुषा को क्षमा नहीं कर पाए, क्योंकि मनुषा उसके लाइफ को हेल कर दी थी। और राइट हैंड से तो वो महादेव की पूजा करते हैं, वो हाथ से मनुषा को कभी नहीं पूजेंगे। इसीलिए चांद सौदागर लेफ्ट हैंड से मनुषा को पुष्पांजलि दिए और फेस को दूसरी तरफ घुमाते हुए, मतलब मनुषा के फेस को नहीं देखा उन्होंने। पर मनुषा इसके लिए चांद सौदागर के लाइफ में और कोई डिफिकल्टीज नहीं खड़ी की। वो लखिंदर और उसके जो 6 भाई थे उन सबके लाइफ वापस दे दी और चांद सौदागर के जो प्रॉपर्टी थे वो सब कुछ भी वापस कर दी और वो सभी लोग एंड बेहुला पीसफुली रहने लगे। बेहुला एंड चांद सौदागर आर टू स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हियर। वो दोनों मनुष्य थे, लेकिन अपनी जिद से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाए। ओके, ये अभी एक इमोशनल एंड मोटिवेशनल वीडियो बन चुकी है। पर शर्मिष्ठा, तुम तो हमें कालरात्रि के बारे में बताने वाली थी, तो सुनो। कहा जाते हैं कि उसी हादसे के बाद बंगाली ब्राइड एंड ग्रूम वेडिंग के नेक्स्ट दिन रात को एक साथ एक घर में नहीं रहते हैं, वो अलाउ नहीं होता है। और सिर्फ एक ही नहीं, बंगाली रिचुअल्स में तो बंगाली ब्राइड ससुराल में आने के बाद ब्राइड और ग्रूम एक दोनों को देख भी नहीं सकते जब तक ना कालरात्रि गुजर जाए, वो अलाउड ही नहीं होते हैं। और स्टोरी में जो स्नेक थी उसका नाम था कालनागिनी, जो लखिंदर को बाइट की थी, तो वो भी हो सकता है, या फिर काल मतलब समय भी हो सकता है। तो इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन हो, वेटिंग के नेक्स्ट रात को कालरात्रि कहा जाता है। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या लगता है, आज ये कालरात्रि स्टोरी की वजह से मैं ये ब्लैक ड्रेस, ब्लैक आई शेडो, ब्लैक लुक क्रिएट की हूँ? आप
हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन बात थोड़ी अलग है। मैं अब से इस चैनल पे मेकअप वीडियोस भी डालने लगी हूँ, तो गॉर्जियस एंड हैंडसम्स अगर आपको मेकअप वीडियोस देखना है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और आपको अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो।